गेट नंबर एक, गेट नंबर दो। इसको बनवा के रखें, ऐसा लग रहा है मुझे यार। नहीं उसी टाइम का होगा, उसी टाइम का है, उसी टाइम ऐसे पत्थर लिखा तो कैनियन है डॉलर बार फोर्ट यहाँ छाव ही रहेगा वापसी टाइम भी। हाँ चलो आगे वीडियो डाल देना बनाई। हाँ भाई ले रहा हूँ ऐसे ही ले, पीछे से आवाज़ डाल के बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ था, इसको भी बंद हो गया ये जगह। गेट नंबर तीन, गेट नंबर तीन। हाँ ये चांद में आपको, हाँ विजय स्तंभ है वो एक तरीके से। वो क्या कुछ जो इसको बनवाया था कुतुब मीनार से, वो ज्यादा वो था वो। हाँ चांद देवगुरी जीतने के बाद खुशी में इसको एक जीत स्तंभ के रूप में बनवाया था। इसको जीतने के खुशी में पानी नहीं है वो वाला है, मधुमक्खी है क्या? मधुमक्खी भी है और बहुत हाँ। इतने के बाद भी किले को लोग जीते हैं, सोच क्या क्या दिमाग नहीं लगा है। क्या करना है, कैसे कैसे लगेगा? सीढ़ी से? अबे सब निकल जाएंगे बे, वापसी में देखते सर। चमगादड़ है यहाँ भी, पहले पूरा अंधेरा सोच। हाँ पूरे अंधेरे में कहाँ समझ आता होगा भाई ये कि कौन सा रास्ता जाएगा। अभी अभी लग गया हमको क्लियर है। देवगिरी, जी हाँ इस जगह को पहले देवगिरी के नाम से ही जाना जाता था सन 1328 तक। 1328 में इस जगह का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया और ये जगह आज दौलताबाद के नाम से जानी जाती है और इसी किले को दौलताबाद किला भी कहा जाता है। इस जगह की कहानी शुरू होती है सन 9वीं शताब्दी से, जब यहाँ पे यादव राजाओं का साम्राज्य था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे करीब 13वीं शताब्दी में यहाँ पे हमला किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदल के दौलताबाद शिफ्ट कर दी। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली में जो उनके साम्राज्य के लोग रहते थे वो भी यहाँ पे आके दौलताबाद में बस गए। लेकिन इन बंजर सूखी ज़मीन को देखिए, कुछ 6 से 7 सालों में ही मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस से अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल भी कहा जाता है, मतलब एक पागल राजा कहा जाता है। तो ये देखिए इस वक्त हम हैं दौलताबाद किले के सबसे टॉप पे और वहाँ से ये देखिए हमारे आसपास का पूरा का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी जगह है, लेकिन एक जो कहते हैं ना मरुस्थल की जो खूबसूरती होती है वो जगह की खूबसूरती थी। आपको चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ दिखेंगे पर उन पे आपको जंगल नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत सूखी है, बारिश बहुत कम होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये इससे भी पहले जो यहाँ का इतिहास है, माना जाता है कि इन पहाड़ों पे
शिव जी का वास था, यहाँ पे वो शिव जी ठहरे हुए थे, इसी वजह से इस जगह को देवगिरी कहा जाता था। और यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे ही अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो एक समय पे ये हिंदू और जैन राजाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह थी, पर समय के साथ यहाँ पे आक्रमण हुआ और ये दौलताबाद बन गया जगह। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, बहुत प्यारी जगह है ये। ये भारत के बहुत ही प्रमुख किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको किले के चारों तरफ यहाँ पे आपको पानी की एक नहर दिखेगी, और यहाँ पे एक भूल भुलैया है जिसको अंधेरी कहा जाता है, वो इस किले में आने और जाने का बस एक रास्ता है और कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर कोई भी दुश्मन उस अंधेरी में जाता है वो पूरा अंधेरा रहता था, जो रास्ता नहीं जानता है वो उन नहरों में गिर जाता था, इस वजह से वहाँ पर मगरमच्छ का शिकार हो जाता था। तो काफ़ी सालों तक ये किला अभेद था, लेकिन फाइनली ये उनके राज्य में आ गया। और हम गए थे घूमने, अच्छी जगह थी ये। हम उतरते टाइम देखिए, ये भारत माता मंदिर है। ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं पता चला कि क्या था और कौन इसको बनवाया गया था, लेकिन हाँ ये अब एक भारत माता मंदिर है। और ये आपको जैसे ही आप दौलताबाद किले में घुसेंगे तो वहीं का ये आपको दिखेगा। इस वीडियो को मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स को रॉ रखा था, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं एक रियल इफेक्ट लाना चाहता था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये जगह बहुत अच्छी है, किला अगर आप जहाँ देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि पहले के टाइम पे कैसे किले बनाए जाते थे, कैसे तरह के कि उनके आर्किटेक्चर होता था। ये बहुत जगह सुंदर है। आप यहाँ आने के लिए आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। औरंगाबाद से करीब 20-25 किलोमीटर दूर ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।